Did I give you any question? I gave you. So we were doing resolution of vectors. We did two examples of resolution. कौन बताएगा? What two examples of resolution of vectors we did that day? And wait for your test at 5 p.m. today. Only 10 MCQs are there. All will attempt. Not even a single absentee should be there. Yes, Kavya. मैम वॉकिंग एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए थे वॉकिंग ऑफ मैन एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स एनी डाउट इन दीज टू एग्जांपल्स क्लियर है रेजोल्यूशन से कैसे हेल्प हो रही है थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज पुशिंग और पुलिंग ऑफ अ लॉन रोलर लॉन रोलर सबने देखा है लॉन मोअर अब आप जब उसको पुश करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है जब आप उसको पुल करते हो तो डू इट वेरी इजीली सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुशिंग एंड पुलिंग हाउ वी कैन मार्क वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट तो लिख लीजिए स्टेटमेंट इट इज डिफिकल्ट टू पुल पुश अ लॉन रोलर देन टू पुल इट Than to pull it. It is difficult to push than to pull a lawn roller. दोनों सिचुएशन हम शो करेंगे यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले लेते हैं सपोज दिस इज द व्हील ऑफ लॉन रोलर लेट अस मार्क वेरियस फोर्सेस ऑन इट ओके लेट अस से दिस इज व्हील ऑफ लॉन मोअर और लॉन रोलर अब जब हम पुश करते हैं ये हमारा फोर्स है तो ये फोर्स हम ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर ठीक है फोर्स कैसे एक्ट करता है इस तरह से ये कौन सा केस है पुश का रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक यहाँ आया एक यहाँ आया सपोज कर लो ये थीटा आप इधर भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट अकेला कॉस थीटा यू क्या है यू तो है ही नहीं यहाँ पे एफ कॉस थीटा जिस वेक्टर को आप रिजोल्व कर रहे हो उसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा दिस इज एफ साइन थीटा और इस रोलर का वेट कितना किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो भी इधर ही एक्ट कर रहा है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी तो रियल वेट में कॉम्पोनेंट एड हो रहा है यू कैन सी अ कॉम्पोनेंट गेट्स एडेड अप हियर So what is the weight that we are feeling? Apparent weight जो हम feel कर रहे हैं. Apparent weight that is mg plus f sin theta. You can see their directions. They are acting in the same direction. So one component gets added to the real weight. That makes it bulky. उसको और heavy बना देता है. So we find it difficult to move. Okay? So you can say apparent weight becomes greater than the real weight. So the lawn roller appears to be heavier than its actual weight. So we find it difficult to push the lawn roller. ये हो गया आपका first case. See, is it clear? All right. अब पुल का भी ड्रॉ करेंगे ऐसी पुलिंग के टाइम पे व्हाट हैपेंस ठीक है अब पुल के टाइम पे हम उधर अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं हम लॉन रोलर का अपनी तरफ पुल करते हैं ठीक है दिस इज द फोर्स नाउ अब वही वाला एंगल ले लो ये है तो ये होगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ ही लिया था ना एंगल वही ले लो रिजॉल्व अगेन दिस विल बी एफ कॉस थीटा दिस इज एफ साइन थीटा एंड वेट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट इज एक्टिंग इन vertically downward direction
तो एफ साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वेट के, हो सकता है ये वेट से कमी होगा उसके, तो वेट में से कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये कंपोनेंट फैसिलिटेट करता है, वेट में से और माइनस हो जाएगा, हमें जो वेट फील होगा वो होगा रियल वेट माइनस दिस कंपोनेंट, एंड ऑब्वियसली दिस कंपोनेंट हेल्प्स अस मूव फॉरवर्ड, इससे वो आगे चलता है हॉरिजॉन्टली, इधर भी ये वाले कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टली वो चलता है, ठीक है, बट इधर वो कंपोनेंट ऐड हो गया था, यहाँ पे वो कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, अपेरेंट वेट इन दिस केस will be mg minus f sin theta. So apparent weight is less than real weight and it will appear to be lighter. ठीक है? तो जो वेट हमें फील हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट, पुश के टाइम पे वी आर फीलिंग इट हैवियर और पुल के टाइम पे वी आर फीलिंग इट टू बी लाइटर, सो दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट, सो दीज वर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. आई टोल्ड यू कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की आपने असाइनमेंट मंडे तक करनी, आज मंडे हो गया, हैव यू डन असाइनमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, कितने आप आशुतोष हाँ रहते हैं अभी, इतने तो थे भी नहीं जितने रहते हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस वर देयर, यस पुलकित शुरू किया है पक्का, जपन जो ध्रुव शुरू किया आज, मैंने आज खत्म करने को कहा था, शुरू करने को नहीं कहा था, एंड काव्या नोट जपन ज्योत ध्रुव सोनिक पुलकित हर्षदीप और आशुतोष एंड गुरजोत आर प्रेजेंट, 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट राइट, क्योंकि फिर उसमें नेम आ जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हो गया हाँ जी, हाँ मैं तभी कह रही हूँ कि आई विल टेल हर एवरी डे, उसको क्या पता, हाँ जी इधर रेज हैंड, कितने बच्चों ने असाइनमेंट कर ली है कैलकुलस की, बिकॉज आई एम टू गिव नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ वेक्टर्स टुडे, अगर वही नहीं की तो मैं कैसे आपको नेक्स्ट असाइनमेंट शेयर करूं, हर्षवर्धन ने की है बस, व्हाट अबाउट अदर्स, और वो भी शायद क्वेश्चन पूछ रहा है, यस हर्षवर्धन बोलो, यस मैम असाइनमेंट कर ली आपने, यस मैम, यू आर एबल टू डू ऑल द 10 क्वेश्चन, मैम फिफ्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, एक क्वेश्चन में, वो कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, व्हाट एवर आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी आई विल टेक अप, आज मैं कर सकती थी डिस्कस बट आपने ट्राई नहीं की हुई, तो कल एक दिन और दे रही हूँ, कल फिर मैं आपको वेक्टर्स की असाइनमेंट शेयर करूंगी, तो बाय टुमारो आपकी हो जानी चाहिए, मतलब ट्राई टुडे राइट, चलिए सो आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी वैसे ही होगा, आपने एक वेक्टर एक डायरेक्शन दूसरे का ऑपोजिट में ले लेना है और वैसे ही ऐड करना है ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से, वो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी. नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी, लेट अस डू द टॉपिक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity by the name it is clear, velocity of one object with respect to the other, so when I write vab means velocity of a with respect to b, isko aise pronounce karenge, velocity of object a with respect to object b, theek hai, so when two cars are running parallel on the road in the same direction, so it is not important ki uski apni speed kya hai car ki, when two cars are running parallel with the same speed in the same direction the other car may appear to be at rest, relative, wo relative effect hoga,
And if two cars are approaching each other in the opposite direction with the same speed, that car will appear to be faster, though it was moving with the same speed. So this is the concept of relativity. आप ट्रेन में होते हो, आपको ट्रीज मूविंग नजर आते हैं जबकि वो रेस्ट पे हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, आपको कोई और चीज उसका कोई और इफेक्ट नजर आ रहा है जो एक्चुअल नहीं है. राइट, सो लेट अस टेक अप वन केस, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर. फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, how to find relative velocity of one with respect to the other. Suppose ye aapki va velocity of car a hai, ye velocity of car b hai, both are moving in the same direction. We want to find relative velocity of a with respect to b. So kya karenge, we will make some change in the system that will have effect on both the objects. हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा पहली ऑब्जेक्ट पे वो रिलेटिव होगा. फॉर एग्जांपल, हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उसको रेस्ट पे इमेजिन कर ले. सो टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में. दिस इज माइनस वीएवी बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट. तो अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो EB है ये रेस्ट पे आ गई, ये रेस्ट पे आ गई, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया. मतलब B विद रिस्पेक्ट टू A जीरो हो गया. अब अगर आपने इसमें कुछ ऐड किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, एक सिस्टम है, आप एक में एक पार्ट भी चेंज करते हो, हैव टू मेक द चेंज इन अदर पार्ट ऑल्सो. तो ये जो A था आपका, इसमें भी आपको उतनी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी. That will give you, अब इनका resultant निकाल लो, वो आपको relative velocity of A with respect to B देगा. अब ये part इसमें से minus हो जाएगा, resultant निकालोगे आप, इतनी length में से इतनी length minus हो जाएगी, और direction भी यही वाली रहेगी, bigger vector वाली. resultant कैसे निकालते हैं, तो आपका उन दोनों को minus करके ये जो आया V A minus V B, that is relative velocity of A with respect to B. So when two objects are moving in the same direction, relative velocity of one with respect to other is difference of velocities of two objects. जैसे अभी मैंने आपको parallel cars वाला example दिया, अगर इनकी velocities बिल्कुल same है दोनों cars की, तो relative velocity of A with respect to B क्या होगी, zero होगी, और rest पे लगेगी. Suppose two passengers are moving in a train, ठीक है, तो वो rest पे क्यों लग रहे हैं एक दूसरे के, दोनों की same speed है. राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी. देख लीजिए केस वन, और ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, हाउ वी विल फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, बाय सबट्रैक्टिंग द टू वेलोसिटी, आप उनका डिफरेंस निकालोगे. तो वी ए माइनस वी बी, दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर. दिस इज केस वन, नोटेड डाउन. हो गया ये, हैव यू ड्रॉन, मैंने इसको रेस्ट पे लाने के लिए, क्योंकि मैंने ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, मैं बी को रेस्ट पे लेके आना चाहती थी. एक रेस्ट पे हो गया, दूसरे में चेंज, जो चेंज आया वो रिलेटिव. इसको रेस्ट में कैसे लाएंगे, बाय एडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी ऐड कर देंगे तो ये रेस्ट पे आ गया. तो ये अब रेस्ट पे आ गया, और उसमें जो चेंज हुआ उसकी वजह से ये रह गया रिजल्टेंट. एक टाइम पे हम एक ही निकाल लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दूसरे को रेस्ट पे लाएंगे, पहले में देख लेंगे जो चेंज आया उसकी रिलेटिव वेलोसिटी.
Now case two. In the opposite direction, when the objects are moving in the opposite direction. अब suppose कर लो कि दीदी आपकी इधर जा रही, कार ए इधर जा रही है, बी इधर जा रही है. अब बी को रेस्ट में लाने के लिए आप उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड करोगे और वही चेंज आपको ए में भी करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में इसमें भी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी. एक पार्ट में चेंज किया, दूसरे पार्ट में भी करना पड़ेगा, राइट. अब बी तो रेस्ट पे आ गया, इसका इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्टेंट गेट्स एडेड अप. तो अब आपका वी ए प्लस वी बी हो और वी बी जो है वो रेस्ट पे आ गया. और अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो डबल होती, अगर दोनों की स्पीड सेम होती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू कार्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड देयर वेलोसिटी सेम, तो जो सामने वाली कार है आपको डबल स्पीड से आती लगेगी. ये देखिए टू वी ए वी ए हो जाएगा, एक की स्पीड दूसरी से डबल लगेगी. दिस विल हैपन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, व्हेन टू ऑपोजिट ऑब्जेक्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी. So this is the second case of opposite direction. We'll do one numerical also. It is in the exercise exactly based on this concept. Kahi questions mein use karenge rather. Fine, clear. Okay, now let us take third case. When the cars are moving at certain angle, tab kaise relative velocity nikalna. थर्ड केस एट एन एंगल. नाउ दिस इज योर वी ए एंड दिस इज योर वी बी, दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा वी. अब कार्स किसी एंगल पे जा रही है. अब फिर से हम वही करेंगे, बी को रेस्ट पे लेके आएंगे बाय एडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी. सेम लाइन, ये माइनस वी बी हो गई, बी रेस्ट पे आ गया, ठीक है. वी बी में माइनस वी बी ऐड किया, वो रेस्ट पे आ गया. अब ए में इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ये ऐड हो रहा है, कैसे ऐड करेंगे. पहले तो क्वेश्चन ये है कि ए में किसी एंगल पे कोई कॉम्पोनेंट कैसे ऐड करते हैं पैरेललोग्राम. So let us find the resultant by using parallelogram. And this diagonal will give us the resultant VAB. ये diagonal देगा हमें relative velocity of A with respect to. अब उसको कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, ठीक है. तो relative velocity, वो जो resultant वाला formula था वही लगेगा यहाँ पे resultant निकालने के लिए. Plus 2AB for theta. अब आर के रिजल्टेंट क्या, वी ए बी. आपका वेक्टर ए था वी ए, वेक्टर बी था वी बी, और एंगल क्या है इन दोनों में, एंगल स्टिल क्या थीटा ही है कि कुछ चेंज हो गया. ये वी ए, ये वी बी है. इज दिस एंगल ऑल्सो थीटा, नो. दिस इज कितना एंगल है, ये अगर थीटा है तो ये कितना है, 180 माइनस थीटा. दिस एंगल नाउ is not theta, we should write here 180 minus theta. ठीक है, what is cos 180 minus theta, minus cos, sin positive होता पर ये negative. तो आपका magnitude आ गया relative velocity का यहाँ से minus 2 va vb cos थीटा. कल को आप अब्रॉड गए ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आना है, उसमें फर्स्ट ईयर में ही ये वाले न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं इसके ऊपर भी.
ये चीज। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी इज अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए बी बी कॉस थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। वी आर ऑलरेडी हैविंग द फॉर्मूला ऑफ एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद फर्स्ट वेक्टर। सो दिस एंगल इज बीटा, जो रिजल्टेंट बना रहा है ए वेक्टर के साथ, ये आपका बीटा हो गया। अब टैन बीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी यू आर हैविंग। टैन बीटा क्या फॉर्मूला था, हु विल टेल मी? टैन बीटा b साइन थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। b साइन थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। लेट्स पुट इन द वैल्यूज अगेन। b इज vb, थीटा इज 180 माइनस थीटा, a इज va, b इज vb cos 180 माइनस थीटा। तो tan बीटा इज vb sin 180 माइनस थीटा, तो वही रहेगा, बट अगेन यहां पे माइनस आ जाएगा बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, बट sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा प्लस sin थीटा। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा आर्टिकल हो गया, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताने पड़ने हैं। So this is relative velocity of two objects acting at certain angle. Is that clear? But when you will actually do the numericals of relative velocity, उसमें कुछ अलग ही situation देखोगे आप। चलो पहले ये note करो, then I'll tell you. Done? रब कर दूं ये। Actually, in numerical problems, there will be two cases. Shortest टाइम कब कवर होगा और शॉर्टेस्ट पाथ कब कवर होगा। यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑफ बोट एंड स्विमर कि एक बोट है, उसमें वाटर करंट इतना है, वाटर की स्पीड इतनी है। अ स्विमर वांट्स टू रीच द ऑपोजिट पॉइंट, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो ही वांट्स टू रीच द ऑपोजिट पॉइंट इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्विम, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। तो किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए टू रीच अ पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन द अदर बैंक। सीधा जाएगा तो रिवर के करके पहुंच तो कहीं और जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। इधर से किधर से जाएगा, किस एंगल पे सीधा जाएगा? हाँ इधर, यस। तो शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ आर टू सिचुएशन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। तो शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम, तो पहले शॉर्टेस्ट पाथ वाला गुरजोत बता रहा है वो बनाते हैं। ये आपकी रिवर है, ये वाटर का फ्लो है, ठीक है, ये रिवर का फ्लो है, वी आर रिवर फ्लो, वाटर फ्लो जैसे मर्जी कर लो, वो दिया होगा आपको, गिवन होगा कि वाटर की स्पीड इतनी। अब उसने शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचना है, यहां से बिल्कुल यहाँ पहुंचना है ऑपोजिट पॉइंट, तभी उसका पाथ शॉर्टेस्ट हो। अब अगर तो सीधा जाएगा तो पहुंचेगा कहीं और, तो ही शुड स्विम एट सर्टेन एंगल टू द वर्टिकल। दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन, m मतलब मैन की वेलोसिटी ले लो। तो एक्चुअली उसको इधर जाना चाहिए, रिवर करंट उसको यहाँ ले आए। दिस एंगल कैन बी कैलकुलेटेड कि उसको कितने एंगल पे जाना, वो आगे तो सिंपल ही है, टैन थीटा ही लग रहा है। तो कितने एंगल पे उसको जाना चाहिए हम नोट कर लेते हैं यहाँ से। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये रिवर की विड्थ आपको दी होगी, ठीक है, ये रिवर की विड्थ आपको गिवेन होगी। सो दैट विल बी
VR over D, like that. Accordingly, you can say. अगर आपको ये वाली, अब जो रिलेटिव, ये फिर क्या हुई? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हुआ ना, एक्चुअली तो उसकी वेलोसिटी यही लग रही है ना, जिसके करके वो यहाँ पहुंचे. इसको निकालने के लिए कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी एस. सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. बस एक बार डायग्राम आपका बन गया, उसके बाद तो टैन और पाइथागोरस ही लगाना है. व्हाट दिस, ध्यान से देख लीजिए, ये फर्स्ट सिचुएशन होगी, शॉर्टेस्ट पाथ वन. इन सम न्यूमेरिकल्स दे विल बी, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के. अब शॉर्टेस्ट टाइम, अब पहुंचे जहां मर्जी, टाइम मिनिमम लगना चाहिए. तो ही शुड स्विम परपेंडिकुलर, उसको यहां से यहां परपेंडिकुलर जाना चाहिए. वो चाहे यहां पहुंच जाए रिवर के फ्लो की वजह से, पहुंचेगा यहां पर, टाइम मिनिमम हो. सो ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट, उसको नॉर्मली जाना चाहिए. ये आप नोट कर लेना, शॉर्टेस्ट टाइम. तो अब ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये उसकी एक्चुअल स्पीड है, ये मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर. अकॉर्डिंगली हम एंगल भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ज्यादातर एंगल ही पूछते हैं कि एट व्हाट एंगल अ वुमेन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द रेन. तो वर्टिकल के साथ आप एंगल ले लो, तो रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, उसको अम्ब्रेला किस एंगल पे रखना चाहिए, ऐसे के क्वेश्चंस हैं. तो वी विल बी डूइंग. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो कल आफ्टर द न्यूमेरिकल्स वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. हाँ जी बोलो. यस समृद्धि मैम, थोड़ा कैमरा साइड पे कर दो, वो शॉर्टेस्ट टाइम वाली फिगर नहीं दिख रही. Yes, any doubts now you can tell me, and complete your assignment of calculus today so that I can give the next assignment of vectors. Agar aap khud questions nahi karoge to clear nahi hoga. So many numericals are there, vectors, kinematics. So unki jitni practice karoge utna hi acha rahega. ओके क्लियर. तो डाउट है आपका?